रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। बेहतरीन एक्टिंग के चलते वो हर किसी के दिल में छाई हुई है। हाल में ही रश्मि ने नेपोटिज्म पर बात की और कहा कि उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। रश्मि ने अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में खुलकर बात की। एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रश्मि ने कहा कि उनसे कहा जाता है कि अब टीवी पर काफी दिख चुके हो और अपना एक्सपोजर बहुत हो गया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अच्छी टीवी एक्ट्रेस होने के बावजूद डिजाइनर्स उन्हें अपने डिजाइन किए कपड़े देने से कतराते हैं। यही नहीं, टीवी कलाकारों का प्लेसमेंट भी अलग हिसाब से किया जाता है। रश्मि ने कहा कि टीवी इंडस्ट्री में भी आउटसाइडर को अपने सपने पूरे करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अपने दम पर सपने पूरे करने पड़ते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल में ही टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी नेपोटिज्म को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने भी कहा था कि टीवी स्टार्स के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। एक इंटरव्यू में हिना ने कहा था कि इंटरनेशनल डिजाइनर्स बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपने कपड़े देते हैं। हिना खान का कहना था कि भारत में ये केस थोड़ा अलग है। मैं डिजाइनर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं अब फिल्मों में काम करने लगी हूं, तो अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी चीजें काफी अलग तो हैं। भारत के बड़े बड़े डिजाइनर्स अब भी टीवी कलाकारों को कमतर आंकते हैं, क्या किसको देना है। हिना खान ने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपने करियर की शुरुआत की थी। हिना को अक्षरा के किरदार में लोगों ने काफी पसंद किया था। वो घर घर में अक्षरा के नाम से काफी फेमस हो गई थी। कई टीवी शो में काम करने के बाद हिना अब बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुकी हैं। यही नहीं, वो कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हिस्सा ले चुकी हैं। हिना खान इन दिनों नागिन 4 की तैयारियों में व्यस्त है। तो वही रश्मि देसाई की बात करें तो एक्ट्रेस ने उतरन में तपस्या का किरदार निभा, लोगों के दिल में जगह बनाई। रश्मि ने सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में हर एक मुद्दे पर खुलकर बात की थी और वो दूसरों की भलाई के लिए भी स्टैंड लेती हुई नजर आई थी। जल्द ही रश्मि की शॉर्ट फिल्म तमस भी जल्द रिलीज होने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।